इसी में आप सबको सलाम। और जैसा कि आपको मैंने रात को बताया था कि हम दाऊद की पुप्पू के घर छानबीन मांगने जा रहे हैं, और हम शाम रात को काफ़ी लेट पहुँचे, और अब सुबह हम सबको नाश्ता करवा रहे हैं। और आज मेरी वीडियो बनाने में हेल्प मेरे मामू कर रहे हैं, और मैं आपको अपनी पुप्पू से और पुप्पू से मिलवा। जी फ्रेंड्स, नाश्ता मतलब बनाने में मेरी हेल्प मेरी कज़िन कर रही है, और वो मतलब नाश्ता बनाई थी और मैं आपको पूरी फैमिली को बुला। जी मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ पुप्पू के लिए और पापा के लिए, और साथ में मैं आपको उनसे मिलवा। ये मेरे पापा जी हैं जिनके पास हम आए हैं, और पापा को तो आप जानते ही हैं क्योंकि मैंने कल की वीडियो में मतलब अपनी पूरी फैमिली का बताया था आपको। हेलो गाइस, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? और मतलब आपको पता ही होगा कि अचार बड़ा मतलब खाने के साथ गांव में खाया जाता है, तो सारे चार खा रहे हैं और पराठे खा रहे हैं। और कैसा लग रहा है, कैसा बना पापा जी? बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा खाना बेटी ने बनाया जी, थैंक यू। और इसी तरह मैं अब अपनी पुप्पू से आपको मिलवाऊंगी। फ्रेंड्स, ये मेरी पुप्पू है और ये पुप्पू का बेटा है, और पुप्पू का मतलब एक ही बेटा है, और जिस तरह आपने दाऊद साहब के लिए दुआ की और इस बेटे के लिए भी दुआ करना कि खुदा बाप मतलब जल्दी से इसको ठीक कर दे। और दाऊद साहब अभी सोए हुए हैं क्योंकि हम रात काफ़ी लेट पहुँचे। फिर मैं अब दाऊद साहब को उठाती हूँ। जब सुबह हो गई है यार, सारे उठ गए हैं। चलो फ्रेंड से बातें कर लो। देखो गुड मॉर्निंग, और सुनाए क्या हाल है आपका, ठीक है? रात को हम काफ़ी लेट आए थे, इस वजह से फ्रेंड्स अभी तक मैं सोया हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हम रात को यहाँ पे पहुँचे थे। और आपने बच्चे को तो देखा ही होगा, मेरी पुप्पू के बेटे को, तो आप प्लीज़ इसके लिए भी दुआएं करें कि इसे खुदा जल्दी तंदुरुस्ती फराहम करे और इसे ये दोबारा चल फिर सके। आमीन, आमीन। सारी फैमिली से मिलवाती हूँ जी। फ्रेंड्स, आपको दिखाएंगे कि सारा नाश्ता कर रहे हैं, और ये मेरी मामा है, मैंने रात को भी आपको बताया था। और ये पुराना कल्चर जो मतलब ऐसे खाते हैं खाना, मामा को आज याद आई कि मैं दोबारा से आज ऐसे खाऊं। और नानो बैठी हैं, नानो भी नाश्ता कर रही हैं, बाकी सारे भी नाश्ता कर रहे हैं। और सलाम जी, सबको सलाम, सबको सलाम हमारी तरफ से, खुदा सबको तंदुरुस्ती से दे। हाँ जी, हम गांव में आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप सब दुआ करें, दुआ करें मेरे बच्चों के लिए और फ्रैंक के लिए दुआ करें कि फ्रैंक को चोट लगी है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मामा जी, कैसा लग रहा है आज आप गाँव आके और ऐसे खाना खा? बड़ा मजा आ रहा है, साथ जा रहे हैं, साथ दाल में रोटी कूटी हुई है। अच्छा, इसी तरह दोबारा से हम पुप्पू के पास आएंगे और फ्रैंक को मिलेंगे।
मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे आपने हमें प्यार दिया और दाऊद साहब को और बहुत सी दुआएं दी, इसी तरह मेरे पुप्पो के बेटे के लिए भी हम कहते हैं रिक्वेस्ट आपसे इसके लिए भी दुआ करें कि वो अपने कदमों पर दोबारा से खड़ा हो ताकि सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले। और मुझे मिलने आए है और दूसरे भी घर वाले साहब मिलने आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, 4 घंटे का सफर है, 4 घंटे का सफर करके इधर आए हैं मुझे मिलने, दाऊद और सना और सारे घर वाले। चलिए ठीक है गाइस, अब हम बाकी का आपको बाद में बताएंगे जब हम दाऊद साहब को बाहर लेके जाएंगे। और इसके अलावा थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह हमें देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।